हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है हमारी 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 11 टू 20 तक जो है, यानी 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी बुक जो चल रही है आरडी शर्मा मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है हमारी 6.1 और क्वेश्चन जो है हमारा 11 टू क्वेश्चन नंबर हम कहां तक सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहां से हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारे पास जो है इसके अंदर हमें गिवन है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, यहां पर देखिए स्टूडेंट, तो हमें करना क्या होगा, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में है, तो हमें यहां पर क्या करना होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी होती है। करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इसमें करना क्या होगा, अपने क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट हम लेंगे, साथ में क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, अपॉन में क्या होगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा ले रहे हैं, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ये है हमारा LHS, ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट मीन्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारा जो डोमिनेटर जो है इसका अपोजिट लेते हैं, यानी डोमिनेटर क्या है हमारा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा थीटा का, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस पे आप अपना स्क्वायर रूट जो है ये वर्क करता रहेगा, ठीक है ना। अब यहां से नीचे देखते हैं हम स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी जो हमारी यहां पर अप्लाई होने वाली है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू, तो स्टूडेंट क्या होता है आइडेंटिटी भी, चलो मैं नोट कर देता हूं क्या हो रही है हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एक फर्स्ट ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी और जो सेकेंड जो ब्रैकेट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी जो है हम यहां पर प्रूव करेंगे। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर रूट तो हमारा साथ में रहेगा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा हम लेंगे लेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि देखिए जो हमारा कॉमन जो आ रहा है आपका, यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट जो आ रहा है, इसे हम इंडिविजुअल भी से नोट कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्टूडेंट, इस स्क्वायर से अंडर रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या रह गया साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या रह गया हम पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे एक बार इसे साइन थीटा को इसके साथ लिख लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, बीच में हमारा माइनस का साइन है माइनस लगा लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन डोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट साइन थीटा हो जाएगा ये क्या हो गया साइन थीटा। तो स्टूडेंट अब देखिए 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कॉसेक, आपको पता है क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस अब देखिए साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा,
कॉट थीटा, ये जो है आपका क्या हो गया, एल एच एस इजकल टू आर एच एस हो गया। भाई प्रूफ कर दिया, हम एल एच एस लेके चले थे और यहां से हमने प्रूफ क्या कर दिया, आर एच एस। आर एच एस में हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स हेंस प्रूफ, और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है ये भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए स्टूडेंट तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये पार्ट जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, एल एच एस, यानी एल एच एस को लेके चलेंगे और हमें आर एच एस को प्रूव कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहां से हम ले रहे हैं अपना एल एच एस, तो एल एच एस क्या दिया हुआ है हमें, एल एच एस स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कॉन्जुगेट के रूप में क्या होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट मीन्स ये नहीं होता कि आपको हमेशा डोमिनेटर को ही, जो भी डोमिनेटर है उसका ही अपोजिट लेना है। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर है हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम डिवाइड करे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब देखो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, यूजिंग ऑफ द आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना, आइडेंटिटी जो हमारी यूज हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, यही हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना होता है। अच्छा, अब हम यहां से देखते हैं साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, थीटा भी है यहां पर, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से क्या था आपका, साइन थीटा है ही हमारे पास में और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इस स्क्वायर से ये साइन थीटा कट जाएगा, अब हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारे पास में साइन थीटा और अपॉन जो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 प्लस के कॉस थीटा, यही हमारे पास रह गया। और हमें प्रूव भी क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए हमें प्रूव भी क्या करना था अपने क्वेश्चन में, आरएचएस का लेके आना था हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसे रब किए देता हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम इसी की तरीके से है। देखिए हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, मैं अभी आपको इसे सही से नोट करा देता हूँ। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है ना स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 13 है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो बीच में ये माइनस जो लगा हुआ है, ये स्टूडेंट माइनस नहीं है, इक्वल टू का साइन है, जो कि हमारा क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, मैं इसे सही किए देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन हो गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन जो है
ये सॉल्व हो जाता है साइन थीटा अपॉन क्या हो गया वन माइनस कॉस थीटा, ये है हमारा LHS। अब हमें क्या करना है RHS प्रूव करना है। RHS में हमें क्या लेना पड़ेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आएगा हमारा RHS। तो स्टूडेंट इसमें भी क्या करेंगे सेम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हम क्या करेंगे हमें इसमें भी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या बन जाएगी वन प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा इसी से इसे डिवाइड भी करना होगा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है अब देखिए साइन थीटा, इधर देखिए आप साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा को साइन थीटा ही ले लेते हैं साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा वन प्लस के कॉस थीटा। ठीक है अपॉन अब इधर से देखिए वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस के क्या हो जाएंगे आपके कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मैं पहले ही बता देता हूं आपको क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए हमें न्यूमिनेटर क्या मिलना है साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट में वन प्लस के क्या मिलना है हमें कॉस थीटा। ठीक है अब देखिए इस स्क्वायर से ये साइन थीटा जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमें क्या मिल जाएगा वन प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए वन प्लस के हमें क्या मिल गया है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार स्टूडेंट हमें क्या करना है इस पोर्शन को आप देख रहे हैं वन अपॉन साइन थीटा, नोट कर लेता हूं वन अपॉन साइन थीटा प्लस और फिर क्या हो जाएगा मार्कर चेंज कर लेता हूं आपको हाईलाइट होकर दिखा जाएगा। अब क्या करेंगे एक बार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नोट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा, जानते हैं हम क्या हो जाता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा कॉट थीटा। अब आप ही देख लीजिए स्टूडेंट जो आपका LHS जो आप लेके चले थे जो LHS से आपने RHS जो है ये प्रूव कर लिया है ठीक है ना hence प्रूव। ठीक है आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और साथ में एक चीज लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 14 पे करते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर भी आप देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 14 में भी मिसप्रिंट दिया हुआ है और क्या है यहां पर ये देखिए ये इज इक्वल टू का साइन आएगा ठीक है ना। तो पहले साफ करता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अगर नोट नहीं किया हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं। ठीक है अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है इसे मैं साफ किया देता हूं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है ठीक है ना। ये हो गया हमारा LHS पार्ट और ये हो गया स्टूडेंट हमारा RHS पार्ट। तो सबसे पहले नोट करते हैं हम LHS पार्ट को ले लेते हैं ठीक है, ब्लू हुई यूज करते हैं वही अच्छा लगता है ठीक है ना। LHS क्या है हमारा स्टूडेंट्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, करना क्या होगा हमें फिर से वही करेंगे एक ही चीज तो करनी होती है, क्या करना होता है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस साइन थीटा और क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा वन माइनस साइन थीटा से क्या करा डिवाइड करा। अब हम बार बार जब इसी चीज को हम दोहरा रहे हैं तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा ये जो पोर्शन वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ठीक है, क्या बन जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट ये देखिए वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा इसका टू क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब स्टूडेंट देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 1 माइनस सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से जो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पर, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्टूडेंट इसके साथ में क्या हो जाएगा, दोनों पर ही कॉमन होल स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, रफ करते हैं पहले, डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपकी समझ नहीं आएगा। तो यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस के आपको क्या मिल गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का, दोनों पे ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे, होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक बार क्या करना है हमें अपने, ये कॉस थीटा जो है, एक बार हमें ये कॉस थीटा जो है, ये 1 अपॉन कॉस, पहले मैं इस पे स्क्वायर लगा लेता हूँ, होल स्क्वायर है हमारा। तो स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट लाइन है, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस का साइन था, देखिए ये क्या था हमारा, माइनस था, तो माइनस आ जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसे नोट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, माइनस है माइनस लगा लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, होता है नहीं होता, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए होल स्क्वायर हमारे साथ है, तो स्टूडेंट देखिए हम LHS को लेके चले थे, LHS हम लेके चले थे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से होके हमारा RHS जो हमें प्रूव करके लाना था, sec थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो हमारा प्रूव होके आ चुका है, sec थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हैंस प्रूफ, तो हम इसे नोट कर देते हैं, क्या हो गया ये आपका, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ओके, LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो चुका है, इसे अब आप अलग से हाईलाइट करके जरूर दिखा दीजिएगा। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट नोट कर लीजिए, 14 को मैं इसे साफ किए देता हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 में cos थीटा प्लस के sin थीटा, देखिए यहां से स्टूडेंट क्या है, cosec थीटा प्लस के sin थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में है cosec थीटा माइनस sin थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे भी स्टूडेंट ये मिसप्रिंट है, तो ये क्या है, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट cot है, t है ये, यानी क्या है, cot स्क्वायर थीटा और प्लस के क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसके साथ में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपको सही दिया, यानी आपको प्रूव ये करना है, ये है हमारा LHS पार्ट क्वेश्चन का, LHS, और इससे जो हमें RHS जो बनाना है, ये पार्ट हमें दिया हुआ है RHS। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, हमें स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, हमें जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब यहां से आप देखिए स्टूडेंट, अगर ये हमारा कोसेक थीटा जो है, ये क्या है हमारा ए, और साइन थीटा क्या है बी, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी, तो इट मींस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के क्या हो जाएंगे आपके साइन थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये दोनों हो गए, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा, मैं यहां नोट कर देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक तो आइडेंटिटी हमारी ये होती है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता ही, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन
स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स वन माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों ही आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साथ में इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसे यहां से ब्रैकेट हो जाएगा और फिर हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर जो होता है वो क्या हो जाते हैं, साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जो है, ये मैंने टिक लगाया था, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इनिशियल साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपका माइनस है, इसकी वजह से स्टूडेंट अंदर के जो चेन है ये बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, माइनस के वन से प्लस का वन कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया है, अब हमें मिल गया यहां से कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना था अपने क्वेश्चन में, LHS हम लेके चले थे और LHS में हमें क्या दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और वही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया है। तो लिखिए देते हैं, हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है स्टूडेंट इसी के साथ वो भी कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो स्टूडेंट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, और मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20 चारों हमारे डिस्प्ले पे आ गए हैं और अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, वन, देखिए हाईलाइट कर लेते हैं हम इसे हाईलाइटर से, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू क्या है, टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है हमें, कॉट थीटा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, वन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन, मैं आपको आइडेंटिटी नोट कर देता हूं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यही आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहां पर वन प्लस कॉट थीटा की जगह पे हम क्या प्रूव कर दें, क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, तो हम क्या कर देते हैं, इसे कोसेक स्क्वायर थीटा नोट कर देते हैं, इनटू क्या है, टेन थीटा, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसे, अब हमें यह पता है कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वन, ये क्या होता है आपका रेसिप्रोकल होता है, मैं अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये साइन थीटा बन जाता है, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, यानी कि वन अपॉन साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, टेन जो थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू हम चेंज कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लो जी ये भी हो गया। अब स्टूडेंट इसके साथ में ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो सॉरी हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि हम यहां से नोट कर सकते हैं क्या है हमारा, अपॉन ये क्या है स्टूडेंट, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है, तो इसलिए इसे नोट कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, अब देखिए वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा जो है ये क्या बन जाएगा आपका,
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहां से हम इसे क्या चेंज करके कर देंगे, हम इस स्टूडेंट से कॉस स्क्वायर, ये नोट हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा ये कट गया, साइन से साइन का ये स्क्वायर कट जाएगा। यानी यहां से जो हमें जो प्रूव करना है, अब हमारे पास क्या रह गया, देखिए कॉस थीटा, और यहां से रह गया कॉस थीटा अपॉन क्या रह गया, साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कॉट थीटा के। और हम प्रूव भी क्या करना था, देखिए आर एच एस हमारा क्या आ रहा था, कॉट थीटा, यानी कि एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, इससे पहले मैं 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 आप नोट कर लीजिए, मैं इसे थोड़ा रफ किए देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस cos थीटा, ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में क्या है, cosec थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसे। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम इसमें भी यूज करेंगे, यानी कि ये क्या होगा आपका sec a प्लस बी, यानी देखिए sec थीटा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 को, यानी a बराबर आप मान लीजिए sec थीटा, और b बराबर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। तो स्टूडेंट देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और माइनस के क्या हो गया आपके cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी पुट हो जा रही है यहां पर, इस भी देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखिए, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं 1 प्लस के क्या हो जाएंगे आपके tan स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस है माइनस लगा लिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है आपका sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा कर लेंगे, पहले मैं आइडेंटिटी यूज कर चुका हूं। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर आपका माइनस होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बाहर माइनस है, तो स्टूडेंट इनिशियल साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि हमने अपने पहले क्वेश्चनों में भी किया, बिल्कुल उसी हो जाएगा। तो यहां क्या मिल जाएगा हमें, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे 1, ये जो माइनस है स्टूडेंट यहां पर, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस का 1 से प्लस का 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास क्या रह गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करके भी अपने क्वेश्चन नंबर 17 में ये ले आना था। देखिए ये था हमारा, और आरएचएस में हमें क्या प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। अब लिखे देते हैं हेंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, इसे भी मैं साफ कर देता हूं जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करा दो। तो देखिए स्टूडेंट 17 भी हमारा साफ हो गया, रब कर दिया मैंने क्वेश्चन को, अब चलते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है sec a, जो मैं हमें यहाँ पर करना है वो मैं यहाँ पर नोट देता हूँ। देखिए sec a जो आइडेंटिटी आपकी यूज होने वाली है, ठीक है ना, देखिए sec a बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos है,
ये होता नहीं होता आइडेंटिटी, तो यही हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस वाले एक की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम इसे कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका माइनस है, माइनस लगा लीजिए। अब देखिए माइनस साइन ए है, साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, ठीक है ना, साइन ए को क्या रहने देते हैं साइन ए, साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां से फिर से देखते हैं हम, अब है हमारे पास में सेक ए, सेक ए, सेक ए को भी क्या कर देंगे वन अपॉन कॉस ए नोट कर सकते हैं स्टूडेंट हम इसे, इसे भी हम क्या नोट कर सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस टेन ए को क्या नोट कर सकते हैं स्टूडेंट साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए बराबर क्या होता है हमारा, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इस वाले कॉस ए की, यानी कि ये जो ब्रैकेट के पास है इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, देखिए वन में अगर इसकी मल्टीप्लाई होती है वन ही आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए की वन में मल्टीप्लाई होगी कि साइन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में क्लोज किए देता हूं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा, अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास स्टूडेंट वन अपॉन कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस के साइन ए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी तरीके से एलसीएम इसका भी लेना है, तो इसे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि डोमिनेटर दोनों का सेम ही है। अच्छा स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा ए है हमारे थीटा की जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं, ए है तो इसलिए यहां पर जहां जहां थीटा है वहां पर आप ए मान के चलना, उससे कोई फर्क